वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहते हैं इंसान अपनी परछाई से बच सकता है, अपने अतीत से नहीं। अपने कर्मों से बच सकता है, अपने भाग्य से नहीं। अनहोनी से बच सकता है, होनी से नहीं। होनी को ना आप टाल सकते हैं ना मैं। यह और बात है कि जिंदगी के इस चक्र को समझने के लिए मुझे मौत के मुंह तक जाना पड़ा है। शायद आप इस बात को अभी भी ना मानते हो, पर मैं मान चुका हूं। यस, आई बिलीव इन डेस्टिनी। अब देखिए ना, मैं यहां से हजारों मील दूर हूं, पर इस हवेली की खामोशी को सुनके कौन कह सकता है कि आज यहां जो होने वाला है उसका असर मेरी जिंदगी और मौत दोनों पे हो सकता है। कोई है? अडोरी बाजी है सब। जरा साहब का सामान ले आओ। जी नमस्ते साहब। बरसों पहले किसी ने बादशाह को सह दे दी, पर लगता है बादशाह ने मार खाने से इनकार कर दिया। मैं एमके, इस हवेली का मैं मालिक। अरे मालिक नहीं, खिदमतगार कहिए। मालिक तो अत्तर सिंह जायसवाल है, उन्होंने कुछ साल पहले यह हवेली खरीदी है। अब वो कलकत्ता में बादशाह की तरह रहते हैं और हम यहाँ पैदल सिपाहियों की तरह उनका हुक्म बजा रहे हैं। अब बादशाह ने कहा दिल्ली की सबसे बड़ी आर्किटेक्ट कंपनी को खत लिखो, तो हमने आर्थर एंड मनचंदा को कह के आपको यहां बुलवा लिया। आपको यहां आते वक्त कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना मेहता साहब? साहब जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे काफी शानदार हवेली है आपकी। बस इसे आपको तोड़ के एक शानदार होटल बनाना है यहां से गुजरने वाले अंग्रेजों के लिए। होटल तो ऐसा बनेगा एमके साहब के अंग्रेजों को यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा। वाह क्या बात है साहब, आपके इस जुमले ने तो हमारे होटल की नींव रख दी। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ मुझसे पहले कोई और आर्किटेक्ट भी आया था। हाँ वो आया तो था, मगर उसमें वो बात नहीं थी जो आप में। मैं चलता हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो ये बलवंत है, आप इससे मांग लेना। थैंक यू, वेलकम। और हाँ, आप काम कब से शुरू करना चाहेंगे? आज रात से।
बलवान। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसू जो दैकोपलचारी बुद्धिहीन तनु जानके सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलिस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित गे संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ व्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जने ओ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणे अति चातुर, राम काज करि बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आवे, श्री रघुवीर हर्ष उल्लावे। रघुपति की नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाए। सहज बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिकपाल जहां ते, कवि को बित कह सके कहां ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम लाए राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्लता ही मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांगी का अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
संकटते हनुमान छुड़ावे मंद क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबर पुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरई हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा प्रभु गुरुदेव के नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कि जय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सह हृदय बसु बसु डियलीसा, यहां आना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यहां कुछ नहीं बदला। मैं एक बाप का चेहरा ढूंढते हुए आया था, पर मेरी मुलाकात एक पगड़ी से हुई। बरसों से अपने खानदान और संस्कारों का बोझ सर पे उठाए एक बड़ी सी पगड़ी। प्यार की भाषा इंसानों को समझाई जा सकती है, पगड़ियों को नहीं। बेड़ियों से बचना है तो उनसे बातचीत नहीं की जाती, उन्हें काटना पड़ता है। मैं आज शाम तुम्हें लेने आ रहा हूं। मां और पिताजी का आशीर्वाद तो हमें नहीं मिल सकता, पर बॉम्बे जाते ही हम भगवान का आशीर्वाद लेके शादी कर लेंगे। लव, अर्जुन। अर्जुन चल बाहर निकल। भैया मेरी बात सुनो, भैया मेरी बात सुनो, चल बाहर निकल। भैया अर्जुन को छोड़ छोड़ दो भैया, वापस चलो, वापस क्या। भैया मेरी बात तो सुनो अर्जुन, नहीं होना चाहिए अर्जुन, बाबूजी बाबूजी दीजा को छोड़ दो बाबूजी। अर्जुन रुक जा, अर्जुन रुक जा, अर्जुन
इस नीच और बदजात लौंडिया के लिए अपने चाचा पे हाथ उठाएगा। अगर आपके सामने कोई मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करता तो आप क्या करते? बदतमीज, इस दो टके की लौंडिया का मुकाबला अपनी माँ से कर रहा है? मुकाबला तो आप कर रहे हैं बाबूजी, धर्म और प्यार का। मैं तो सिर्फ शादी करना चाहता हूँ उस लड़की से जिससे मैंने प्यार किया है। धीरे बोल बदतमीज, कोई सुन लेगा तो सात गाँव तक तेरी बहनों का रिश्ता कोई नहीं लेके आएगा। हमारा कुनबा, हमारी इज्जत, हमारा रुतबा सब मिट्टी में मिल जाएगा। आपको अपने कुनबे की इज्जत ज्यादा प्यारी है या अपने बेटे की खुशी? ये तू नहीं, इस डायन का जादू बोल रहा है। बस बाबूजी, आप मेरी होने वाली पत्नी का अपमान कर रहे हैं। अपमान तो तू कर रहा है अपने संस्कारों का। तू ये भूल गया कि हमारा धर्म अलग है, कर्म अलग है, पूजा पाठ अलग है, यहाँ तक कि हमारा भगवान भी अलग है। जिस भगवान से मन्नतें मांग के मैंने तुझे मांगा था, तू उसी भगवान का अपमान करेगा? क्या उसी भगवान को नाराज करेगा तू? हाँ, अगर कोई धर्म, कोई संस्कार, कोई भगवान मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश करेगा तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। जिस भगवान को मैंने बचपन से लेके आज तक अपना सब कुछ मान के दिन रात उसकी पूजा की है, अगर वही आज मेरे प्यार के रास्ते में आ खड़ा हुआ तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। जो भगवान इंसान को अपने नाम का सहारा लेकर किसी की जान लेने देता है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा भगवान। यूं समझ लीजिए पिताजी कि आज से आपके लिए एक बेटा कम हो गया, और उस भगवान के लिए उसे मानने वालों में से एक इंसान कम हो गया। बहुत प्यार करते हो मुझसे। बस तुम्हारी इसी मुस्कुराहट को मैं कभी जाने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी, मेरे परिवार वालों की वजह से तुमको ये सब। जो हो गया उसे भूल जाओ, शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान को नहीं लीजा, इंसान को। आज मैं एक बात अच्छी तरह समझ गया हूं लीजा, देयर इज नो गॉड। पहले इंसान ने अपने डर से बचने के लिए भगवान को बनाया, और फिर उसी भगवान का इस्तेमाल उसने बाकी इंसानों को डराने के लिए किया। पर आज तुम्हें मौत के इतने करीब देखकर मुझे जिंदगी की असलियत समझ में आ गई। अब मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं, पर तुम चाहो तो उसे मान सकती हो। मैं कभी तुम्हारे या तुम्हारे गॉड के बीच में नहीं आऊंगा। वादा करो तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहोगे। प्यार का
की पलकों में तेरे सपनों का दर है। मेरे इस दिल में तेरी चाहत का घर है। मेरी रग रग में तू बस तेरा प्रेम समाया है, समाया है। मेरी इन सांसों में अब तेरी सांसों की सरगम बजती है। अच्छा हो तुम आ गए। ये देखो, ये रॉयल ब्लूज बॉल के साथ जाएगा ना। ऐसा करो, रॉयल ब्लू को छोड़ो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? कम, तुम यहाँ बैठो। सेवा में माननीय श्री अर्जुन सिंह। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि पालमपुर में राय बहादुर अत्तर सिंह जायसवाल की हवेली को तोड़कर एक शानदार होटल में तब्दील किया जा रहा है और राय बहादुर साहब ने यह जिम्मा हमारी कंपनी को दिया है। इसलिए कमिटी मीटिंग में आपका नाम तजवीज किया गया है और इसके एवज में आपकी तनख्वाह में 20% 20% का इजाफा किया जाना भी तय हुआ है। श्याम लाल सिसोदिया। कैन यू बिलीव दिस? उस पूरी हवेली को मैं अपने तरीके से डिजाइन करूंगा, उसके इंटीरियर्स, उसके एक्सटीरियर्स सब मैं बनाऊंगा। I always wanted something like this. You know, Lisa, you're really lucky for me. कोई ऐसा क्यों करना चाहता है? क्या? इतने खूबसूरत घर को कोई तोड़ना क्यों चाहता है? अरे लीजा, तुम मेरी रोजी रोटी पे लात क्यों मारना चाहती हो? लीजा, तुमने अभी ये देखा है, तुमने अभी वो नहीं देखा जो मैं यहां देख रहा हूं। देखना लीजा, इस जगह पे इतना शानदार होटल बनेगा ना कि तुम भूल जाओगी कि कभी यहां घर भी था। लेट्स गो लीजा। हेलो लीजा। वैसे तो हमारे पहाड़ों का रिवाज है कि मेहमान को लेने के लिए खुद पहुंचा जाए, लेकिन एमके साहब को कोई जरूरी काम आ गया इसलिए वो स्टेशन पर नहीं पहुंच पाए, पर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगी है। Thank you.
आप जहां से आए हैं सुना है वहां मौसम 12 महीने एक जैसा ही रहता है, लेकिन यहां पहाड़ों पे ऐसी बात नहीं है साहब। जी में आए तो सूरज भगवान मुंह अंधेरे दर्शन दे दे, और जी में ना आए तो हफ्तों नजारा दे। ऐसे में ठंड बहुत बढ़ जाती है, लेकिन मैंने पिछली कोठरी में इतनी सारी लकड़ियां डाल दी हैं कि आपको 2 महीने तक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और बिजली नहीं आई यहाँ? आ रही है, एक साल में आ जाएगी। गांव के चौपाल तक तो आ ही चुकी है, बस पहुंच जाएगी। ये वाली क्या कर रहे हो? पूरी हवेली की चाबियां लगा के देख चुका हूं, ये दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। सुबह की रोशनी में आराम से कोशिश करना, हो सकता है खुल जाए। अच्छी बात है। बलवंत खाना लगा दो। जी। Thank you.
यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ ऊपर, ऊपर कोई है। कोई है ऊपर? हाँ। कौन आएगा इतनी रात को यहाँ? रीजा, तुमने फिर से कोई सपना तो नहीं देखा ना? नहीं अर्जुन, मैंने सचमुच किसी की आवाज सुनी, ऐसे जैसे जैसे कोई बहुत दर्द में हो। और सचमुच रीजा, बहुत... ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे रात की खामोशी में जब जोरों से हवा चलती है ना तो अजीब सी आवाजें आती हैं। अब चलो सो जाओ, मुझे भी सुबह जल्दी उठ के एमके साहब को मिलने जाना है। चलो। I love you, Lisa. Don't miss me too much. I love you too. Bye. Good morning, Vin Saab. Good morning. एक बात पूछूं बलवंत? जी। तुम इस हवेली में कब से काम करते हो? जब से इसे तोड़ने के बारे में सोचा जा रहा है तब से। मतलब बड़े मालिक ने इसे खरीदा इसलिए था कि इसे तोड़कर एक होटल बनाया जाए। ना वो इसे खरीदते ना मुझे नौकरी मिलती और ना हम लोग यहाँ आते। वो तो है। अच्छा एक बात बताओ, इस हवेली में अंदर आने का कोई और रास्ता भी है? नहीं तो। तो क्या तुम कल रात कुछ काम से हवेली में आए थे? नहीं तो क्या हुआ? कल रात मैंने बलवंत, क्या तुमने कभी हवेली में कुछ महसूस किया है? क्या तुम्हें कभी लगा है कि यहाँ हम लोगों के अलावा कोई और भी है? कभी कुछ आवाजें सुनी है जैसे कोई लंगड़ा के चल रहा हो, जैसे कोई? नहीं मैम साहब, मैंने कभी कोई आवाज नहीं सुनी। पसंद आई आपको? जी बहुत, और उससे भी ज्यादा वो घर जिसे आपने तोड़ना है। मैंने राय साहब को कलकत्ता में चिट्ठी लिख के आपके आने की इत्तला कर दी। अब आप पे है कि आपको काम कब शुरू करना है। जी काम तो मैंने दिमागी तौर पे शुरू कर दिया है, पर एक छोटी सी दिक्कत है एमके साहब। क्या? वो पूरे डिजाइन तैयार करने के लिए मुझे पूरे घर का मुआयना करना होगा, पर पीछे का एक दरवाजा है जो खुल नहीं रहा, तो उसे तोड़ने के लिए आपकी इजाजत चाहिए थी। अम्मा कमाल कर रहे हो आप, खेत से पूछ रहे हो हल कहाँ चलाना। अरे पूरा घर आप ही का तो है, तोड़ दीजिए, दरवाजा ही तो है।
कौन है? कौन है? Open. मैं इसके अंदर जा चुकी हूँ, अंदर की हर एक चीज को देख चुकी हूँ। एक दीवार है जिसपे एक बड़ी पेंटिंग है, सामने एक पियानो है, मैंने उस पियानो को बजाया है। उसे तुम जानते हो ना मैं सच बोल रही हूँ। लीसा, कौन कह रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? पुराना दरवाजा है लीसा, कल खुल गया, आज नहीं खुला। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? अगर इस हवेली में सब कुछ ठीक होता तो फिर यहां तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत होती? मैं मानता हूं तुम वहां गई होगी, तुमने पेंटिंग देखी होगी, तुमने पियानो भी बजाया होगा। मुझे तुम्हारी हर बात पे यकीन है। तुम समझ नहीं रहे हो अर्जुन, जब से हम यहाँ आए हैं तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। इस घर में कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती पर महसूस जरूर कर सकती हूँ। कभी मैं उसके पीछे जाना चाहती हूँ और कभी उसे दूर भागना चाहती हूँ। समझते हो ना मैं क्या कह रही हूं? लीसा, कम। लीसा, मैं जानता हूं कि हम लोग जब से यहां आए हैं तुम खुश नहीं हो। तुम्हारा जिस्म यहां है पर तुम्हारा मन लगता है बॉम्बे में ही है। लीसा, ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है पर तुमसे ज्यादा नहीं। अगर तुम चाहो तो दो चार दिन और ठहर लो, वरना हम लोग वापस चले जाएंगे। दिमाग खराब हो गया है तेरा? तुझे पैसे काम करने के दिए जाते हैं, मशवरे के लिए नहीं। तू जानता है अब तक राय साहब के कितने पैसे खर्च हो चुके हैं इस काम पर? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इन लोगों की जान खतरे में है। आपने पहले भी मेरी बात नहीं मानी, आपकी जिद की वजह से दो लोग अपनी जान खो चुके हैं। यह घर टूटना नहीं चाहता है मालिक, ये उनको भी नहीं छोड़ेगा। उस घर के अंदर कोई आत्मा, कोई शक्ति। शट अप बलवंत, मैं तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं हूं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अगर आप नहीं मानते तो आप वहां की जगह यहां आके क्यों रहते हैं? को सब मालूम है, आप जानबूझ के उन लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तुम भी तो वहां रहते हो ना, तो तुम्हें अब तक उस आत्मा ने परेशान क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं उस घर को तोड़ना नहीं चाहता हूं मालिक। आखिरी बात सुन ले बलवंत, यह घर टूटेगा और उस पे होटल बनेगा, पर अगर तूने अपना मुंह खोला तो याद रख ये जगह छोटी है और लोगों को काम की जरूरत है।
एक्सक्यूज मी फादर। यस फादर, वो क्रॉस थोड़ा वो रात को तूफान आया था ना, ये उसी का असर है। सीढ़ियाँ टूट गई हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। शाम को साइमन और पीटर आएंगे तो कुछ होगा। सॉरी, मुझे लगा शायद आपकी नजर नहीं पड़ी होगी इसलिए। नो, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट माय डियर। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? हाँ, हम लोग कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं। वो राय साहब की हवेली है ना? हाँ, हाँ। मेरे हस्बैंड उसे तोड़ के वहाँ एक नया होटल बनाने वाले हैं। Oh, I see. What's your name, my dear? Lisa Singh Rathod. Lisa Singh or Rathod? That's very interesting. तो फिर संडे मास के लिए तुम अकेली आओगी या हस्बैंड भी आएंगे साथ में? What happened, my child? जब हॉस्पिटल में आंखें खुली तो सब कुछ बदल चुका था। मेरे लिए अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया था, अपना घर बार, अपने माँ बाप, सब कुछ, यहाँ तक कि अपना भगवान भी, जिसकी अर्जुन ने बचपन से पूजा की थी। पहली बार मैंने अर्जुन की आंखों में प्यार और नफरत को एक साथ देखा था। उस वक्त मैं उसे कुछ समझा नहीं सकती थी, इसीलिए खुद ही समझ गई। पता नहीं हमने अच्छा किया या बुरा, पता नहीं गॉड ने हमें माफी किया होगा या नहीं। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। लीजा, तुम ठीक कह रही थी, यहां पे पेंटिंग भी है, पियानो भी है, पर वो दरवाजा नहीं है जो तुम्हें परेशान कर रहा था। देखा मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूं। ये दरवाजा तुम्हें परेशान कर रहा था, मैंने दरवाजा तोड़ दिया। अब ये घर तुम्हें परेशान करेगा, मैं घर को भी तोड़ दूंगा। शुक्रिया, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। मैंने कहा था ना, थोड़ा बाहर जाओगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा ना लीजा? जब से मैं आया हूं तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जानती हो क्यों? क्योंकि जब से मैं आया हूं तुमने मुझे एक बार भी ठीक से गले नहीं लगाया। उस दिन जब मैंने उसे गले लगाया तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे कोसों दूर खड़ी थी। मैंने उसे तो गले लगा लिया, पर उसके अंदर की खामोशी को महसूस तक नहीं कर सका। काश मैं उसे समझ पाया होता।
मुझे लगा कि ये सब मेरा वहम है, पर कल रात के बाद मुझे यकीन हुआ कि उस घर में कोई है। कल रात मैंने उसे सुना, उसे देखा, वो तो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। फादर, मुझे बहुत डर लग रहा है। I'm really scared. तुमने अर्जुन को ये सब बताया? नहीं फादर, अगर उसने मेरी बात का यकीन ना किया तो मुझे बुरा लगेगा, और अगर यकीन किया तो उसे बुरा लगेगा और वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा और मुझे लेके बॉम्बे चला जाएगा। मुझसे मिलने के बाद उसने जिंदगी में सिर्फ खोया ही है। पहली बार यहाँ आके उसे खुशी मिली है, मैं उसे उसकी खुशी, उसका करियर उसे छीना नहीं चाहती। आई अंडरस्टैंड। तब तो तुम्हें वहां रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। Can you please help me, Father? Stay here. Good morning. Good morning, Lisa. Morning, Father. Father, Arjun सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर गया है। Okay, तुम यहीं रुको। क्या हुआ फादर? लीजा, पुरानी हवेलियां बूढ़े लोगों की तरह होती है, जिन्होंने बरसों चुप रहकर अपनी आंखों से सब कुछ देखा होता है। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ बहुत बुरा। कभी कभी बुरा करने वाले लोग तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी परछाइयां इन आंखों में अटकी रह जाती है। शायद इस हवेली ने भी बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सहा होगा, पर अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। Because I've blessed this house, my dear. अब तुम और तुम्हारे हस्बैंड यहां पे आराम से रह सकते हैं। Thank you, father. My pleasure.
टुआ विटामिया, ये लैटिन का फ्रेज है और इसका मतलब है योर डेथ माय लाइफ, यानी आत्मा हमको हमारी भाषा में धमकी दे रही है। लगता है इस आत्मा और उस लड़की के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है और वो नहीं चाहती कि उन दोनों के बीच में कोई आए। लिसा मैम सब तो घर पे नहीं है फादर, वो तो सबके साथ दिल्ली चली गई। कब तक आएंगी? एक डेढ़ हफ्ते में। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी मैम साहब जैसी दिल्ली से वापस आए उनसे कहना मुझसे आकर मिले, मुझे इस घर के बारे में उन्हें कुछ बताना है। मुझसे मिले बगैर अगर उन्होंने इस घर में एक रात भी और काटी तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, समझे? जी। यहां रुक क्यों गए? एक मिनट जी, आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? आगे अंग्रेज सिपाहियों और क्रांतिकारी भाइयों के बीच झड़प चल रही है, आपके लिए खतरा हो सकता है। मैम साहब आप गई नहीं? नहीं, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए साहब को अकेला ही जाना पड़ा। बलवंत, मैं खाना अपने कमरे में ही खाऊंगी। मैम साहब आपके जाने के बाद वो क्या हुआ? बलवंत कोई आया था क्या? नहीं, वो मैंने चूल्हा बुझा दिया था इसलिए खाना बनाने में थोड़ी देर हो जाएगी। कोई बात नहीं। अरे देवेंद्र जी, ये सब करने की क्या जरूरत है? आप चिंता मत कीजिए, सीमेंट और लोहे का कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिलेगा। अरे साहब, ये ईंट और रेत की बात नहीं, मेहमान नवाजी की बात है। बिल्कुल अर्जुन बाबू। और फिर जब दिल्ली में आए और बिछुआ का नाच ना देखा तो दिल वालों की दिल्ली नाराज हो जाएगी। डस जाए बिछुआ, जहर जगाए बिछुआ, बड़ा तड़पाए बिछुआ, बच के तू रहना जरा। जब डस जाए बिछुआ, जहर जगाए बिछुआ, बड़ा तड़पाए बिछुआ, बच के तू रहना जरा। होश उड़ाए बिछुआ, लहर बढ़ाए बिछुआ, जिसने डाली इस पे निगाह पकड़ी जो बाहें समझो वो मरा। जब डस जाए बिछुआ, जहर जगाए बिछुआ, बड़ा तड़पाए बिछुआ, बच के तू रहना जरा।
जब से जवानी लाई है तब से रवानी, मस्ती सी हछाई तबीयत बोराई, धड़कन लहराई नस नस में जागा नशा। हाँ जब डस जाए बिछुआ, जहर जगाए बिछुआ, बड़ा तड़पाए बिछुआ, हाँ बच के तू रहना जरा। बच के तू रहना जरा, होश उड़ाए बिछुआ, लहर बढ़ाए बिछुआ, जिसने डाली इस पे निगाह पकड़ी जो बाहे समझो वो मरा। जब डस जाए बिछुआ, जहर जगाए बिछुआ, बड़ा तड़पाए बिछुआ, बच के तू रहना जरा। दो दिन से यही हाल है साहब, ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं, सारा दिन बिस्तर पे आंख बंद करके बस लेटी रहती हैं। तुमने किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? बुलाया था, कल ही मुआयना करके गए हैं शाम को। वो आप कहें तो मैं
दोबारा बुला कर लाता हूं। जल्दी जाओ। जी मिसेस राठौड़, मिसेस राठौड़। बुखार काफी तेज है, नॉर्मल एग्जामिनेशन के बाद तो लगता है कि इन्फ्लुएंजा है, पर हमें देखना पड़ेगा साथ में कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। कल सुबह तक देख लेते हैं, वरना इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। और हाँ, आप कह रहे थे कि इन्होंने दो दिन से कुछ खाया नहीं। जी दैट्स नॉट गुड, किसी भी तरह इन्हें कुछ खिलाइए वरना इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। बाय बाय। थैंक यू। लीजा, लीजा फादर, वो अंदर चर्च में मेरे साथ आइए। फादर वो अर्जुन जी, कौन है आप? मैं गॉड का भेजा हुआ एक साधारण आदमी हूं जिसने आज चर्च में वो देखा है जो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। गॉड इज ब्लीडिंग फॉर वन ऑफ इट्स चिल्ड्रन। मैं आपकी बात समझा नहीं। लेकिन मैं गॉड की बात समझता हूं। वो अपने चाइल्ड को बचाना चाहता है और वो चाइल्ड इसी घर में है। लीजा, क्या मैं लीजा से मिल सकता हूं? लीजा? हाँ लीजा, तुम नहीं जानते लेकिन मैं लीजा से मिल चुका हूं। आई नो शी इज नॉट वेल, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। मैं आए आपको इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। योर वाइफ नीड्स मेडिकल अटेंशन। हमें लीजा को जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूं। 5 मिनट्स। मैं लीजा से सिर्फ एक दफा मिलना चाहता हूं। Lisa, Lisa, my child, can you hear me? Lisa, God have mercy. Because she is possessed.
शैतान है उसके शरीर में, शैतान। देखिए मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस वक्त उसे डॉक्टर की नहीं, उसे गॉड की मदद चाहिए, गॉड की। देखिए फादर, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपको जो पूजा पाठ करवानी है करवाइए, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे मेरा काम करने दीजिए। लेकिन मैं भी किसी के रास्ते में नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ उस बच्ची की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हर लाइफ इज इन डेंजर, और मैंने जितनी दुनिया देखी है उसमें आपने जो दुनिया देखी है ना, आपके चर्च के अंदर सिमटी हुई है। कभी वहां से बाहर निकल के देखिए, एक तरफ सिगमंड फ्रायड जैसे लोग हैं जो वियना यूनिवर्सिटी में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जैसे लोग पालनपुर में कुएं के मेंढक बने हुए हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कई बार व्यक्ति एक ही व्यक्ति दो दो लोगों की तरह बिहेव करता है, और लीला के साथ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, मगर वो दो दो आवाजें क्यों निकालती है, और एक आवाज तो शैतान की है। क्योंकि इंसान के शरीर में दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, उनमें से वो एक का इस्तेमाल करता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से लीजा के शरीर में शैतान है, क्योंकि जैसे ही क्रॉस मैंने उसके माथे पे लगाया वो बौखलाई जी, क्योंकि उसे तेज बुखार है। उस बुखार की हालत में अगर क्रॉस की जगह आप गीली छड़ भी उसके माथे से छुआते तो वो ऐसा ही व्यवहार करती। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? माफ कीजिए फादर, मिस्टर अर्जुन, वो आपकी बीवी है, आपको फैसला करना है। एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, अगर इस वक्त भी उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो मैं भी आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। प्लीज फादर, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अच्छा हुआ मैंने यहाँ ले आए, बुखार काफी कम हो चुका है, मुझे लगता है कल सुबह तक ये नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब मैंने घर ले जा सकता हूँ कल शाम तक? बशर्ते वो प्रीस्ट वहां दोबारा ना आए। ओके। लीजा, लीजा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? डॉक्टर, नर्स, ओह माय गॉड, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, मजबूती पकड़ो, तुम मजबूती पकड़ो, हाथ पकड़ो उसका, हाथ पकड़ो, पेनल्टी 851 पे, ध्यान से, ध्यान से, कमांडर, पे। ये क्या कर रहा है कल्लू? चौंक गया? अपने बचपन का नाम सुन के चौंक गया? मैं तेरा क्या, तेरे पूरे खानदान का नाम जानता हूं। तेरा बाप रामनाथ बड़ी बगिया में माली का काम करता था। तेरी मां कौशल्या टोडरमल की हवेली में झाड़ू लगाती थी। तेरा दादा हरकिशन दास जो कोरे साहब के घोड़े का गोबर साफ करते थे, कोरे साहब ने उसे घोड़े से बांध के हवेली के साथ चक्कर लगवाए थे, तो भी उसी का खून है। तू पकड़ा नहीं गया तो क्या हुआ? तूने भी तो अपने बड़े साहब की बेटी के साथ ऐसा ही किया था, चेकअप के बहाने उसे यहां लाया था और फिर यहीं इसी बिस्तर पे बेहोशी का इंजेक्शन दे के। लीजा को क्या हुआ है? क्या आपको लगता है आप उसका इलाज कर पाएंगे? डॉक्टर,
तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। बात नहीं जानते ये सब जुबान वाले, वफा का जुर्म समझते हैं ये सब जहां वाले, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करूं, तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। मेरा झगड़ा मेरे भगवान से था, पर इसमें लीजा की क्या गलती थी? उसकी जगह अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या वो गॉड के सामने जाके मेरे लिए प्रे करती? शायद हाँ। लीजा मुझे खुश करने के लिए उसे ना मानने का दिखावा बेशक करती रही हो, पर मैं जानता था दिल के किसी कोने में उसने अभी भी गॉड को संभाल के रखा हुआ है। मेरी जगह वो होती तो फादर थॉमस को कभी इस तरह घर से ना निकालती। मैं जानता था मैं अपने भगवान के सामने कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा, पर मैं लीजा से यह हक कैसे छीन सकता था? यहां आने से पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके और उसके गॉड के बीच में कभी नहीं आऊंगा, और अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया था। आई एम सॉरी फादर, मैंने उस दिन आपके साथ अच्छा नहीं किया। लीजा को आज आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप? तुम जो कोई भी हो, मैं जानता हूं तुम मुझे सुन रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? इस बच्ची के शरीर में क्यों आए हो? द पावर ऑफ क्राइस्ट कमांड्स यू, हु आर यू? आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी थाई नेम, Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Who are you? Oh.
चार दिन, बस चार दिन और, इसके बाद ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। अमावस की रात इस लड़की की आत्मा शरीर को छोड़ देगी और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। चार दिन बाद। लीजा, ओह माय, लीजा, माय पुअर चाइल्ड, लीजा उठो, लीजा, फादर, यस, फादर, लीजा को क्या हुआ? माय चाइल्ड, लीजा, बलवंत, सब 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 मेरी वजह से हुआ साहब। काश मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया होता। यह आत्मा इस हवेली को टूटने नहीं देगी साहब। ये पहले ही दो लोगों की जान ले चुकी है, ये लीसा मैम साहब को भी नहीं छोड़ेगी। मैंने एमके साहब को बताया था साहब, लेकिन उन्होंने उन्होंने मेरी जबान पर सिक्कों का ताला लगा दिया। मैं गूंगा हो गया साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी साहब, मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे, बहुत बड़ी गलती होगी साहब। अगर लीसा को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता और क्या जानता है तू उस घर के बारे में? बताता हूं, बताता हूं। राय साहब ने वो घर 2 साल पहले खरीदा था। उस वक्त वहां एक बुढ़िया रहा करती थी। हो सकता है कि वो तुम्हें बता दे। पर वो ये घर छोड़कर गई कहां? नया नगर, नहीं नवा नगर। लीजा को इस वक्त मेरी जरूरत थी और मुझे उसे बचाने के लिए सच को जानने की जरूरत थी। बस इसीलिए मैंने कुछ देर तक उसकी जिम्मेदारी फादर थॉमस पे छोड़ दी और खुद नवानगर के लिए निकल पड़ा। भाई साहब जी, ये राधा माँ कहाँ रहती है? राधा माँ यही तो रहती है। राधा माँ, मैं पालनपुर से आया हूं, आपसे कुछ बात कर सकता हूं? 2 दिन के बाद अमावस है, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाऊंगा। आपको मुझे बताना ही होगा कि उस हवेली का सच क्या है। क्या हुआ था वहां? नियति का लेखा जोखा भगवान के हाथों लिखा होता है, पर ऐसा लगता है भगवान रूठ गया है। पालनपुर की नियति शैतान ने अपने हाथों से लिखी है। कोई 60-70 बरस पहले की बात है, सन 1857 की। सब कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा था। पूरे हिंदुस्तान की सुनहरी चादर के नीचे अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ धीरे धीरे एक आवाज बनी जा रही थी, इनकलाब की आवाज। गायत्री के पिता राय बहादुर प्रताप सिंह बहुत से बाकी हिंदुस्तानियों की तरह अपना ऐशो आराम और घर बार छोड़कर आजादी की लड़ाई में जुटे हुए थे। राय साहब घर की जिम्मेदारी मेरी अम्मा पे छोड़ के बाकी मर्दों के साथ बाहर गए हुए थे। मेरी माँ कहने को तो नौकरानी थी, पर राय साहब की पत्नी के गुजरने के बाद उन्होंने गायत्री को माँ की तरह ही पाला था। उस वक्त इतनी बड़ी हवेली में हम 3 लोग ही रहते थे, मेरी माँ, गायत्री दीदी और मैं।
ये भी एक बागी सिपाही है, तुम्हारे पिताजी की तरह ये भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। गोली लगने के बाद भी इसका हौसला कम नहीं हुआ। ठीक होकर दोबारा अपनी टुकड़ी में वापस जाना चाहता है, लेकिन तब तक इसे छिपने की जगह चाहिए। ये चाहता है कि इस घर में हर उस सिपाही के लिए जगह है जो हिंदुस्तान को आजाद देखना चाहता है। ये जब तक चाहे रह सकते हैं केसर मां जी। धन्यवाद। संदेशा लाया हूं केसर मां, संदेशा लाया हूं। प्रणाम। राय बहादुर साहब ने रकाबगंज से चिट्ठी भिजवाई है, उन्हें लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। गायत्री, बुरी खबर है बेटा। दौलतपुर में अंग्रेजों ने हमारे सोए हुए सिपाहियों पे हमला करके वहां की छावनी पे कब्जा कर लिया है। एक बार फिर किसी अपने ने धोखा दिया है। किसी अपने ही भाई ने अंग्रेजों के तलवे चाटते हुए मुखबिरी की और हमारे 90 सिपाही शहीद हो गए। वो मेरे छावनी के लोग थे, मेरे साथी थे। हम कभी नहीं जीत पाएंगे, कभी नहीं। हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। Thank you.
कौन हो तुम? केसर मां, शायद कोई कांच टूटा है। हाँ, मैं केसर मां को बुलाने जा रही थी। केसर मां नहीं है, दरअसल मैं उन्हीं का संदेशा लेके आपके पास आ रहा था। उन्हें अचानक 2 दिन के लिए शहर जाना पड़ गया, कोई रिश्तेदार बीमार था उनका। आप सो रही थी इसलिए मुझसे कह के चली गई। मगर केसर मां मुझसे कभी कहे बिना? पर मुझे जो कहना है जाने से पहले जरूर कहूंगा। हाँ, 2 दिन के बाद मैं दौलतपुर के लिए निकल जाऊंगा, पर जाने के बाद आप लोगों की आपकी बहुत याद आएगी। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। राधा, क्या हुआ? राधा, राधा, कहाँ जा रही हो तुम? राधा, रुक जाओ। सिपाही मोहन कांत, लेफ्टिनेंट बर्टन तुम्हारे कारनामे से बहुत खुश हैं। तुमने वक्त रहते खबर ना की होती तो दौलतपुर के बागी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। बर्टन साहब ने कंपनी सरकार से ना सिर्फ तुम्हें इनाम देने की सिफारिश की है बल्कि तुम्हें यहां से दूर भेजने का इंतजाम भी कर दिया है। पर जब तक हालात संभल नहीं जाते तुम्हें पालमपुर में ही कहीं छिपके रहना होगा। मौका मिलते ही उनका कोई आदमी तुम तक पहुंच जाएगा, पर तब तक तुम्हारे इरादों का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राम सिंह, नायब सूबेदार। किस तरह नहीं जा सकते, हम चले गए तो वो बच के निकल जाएगा। हम कर भी कह सकते हैं? हम नहीं, मैं उसे रोकूंगी। तुम बिस्मिल चाचा की हवेली जानती हो ना, ये चिट्ठी उन्हें जाके दे देना और कहना कि जल्द से जल्द पापा तक पहुंचा दे। पर अब करेंगे क्या दीदी? जब इंसान इतना गिर जाता है कि उसे उठाना मुश्किल हो तो उसे रोकने के लिए कभी कभी खुद को गिराना पड़ता है।
जाओ राधा, जाओ। Thank you.
उस दिन के बाद राय साहब ने उस कमरे में हमेशा के लिए ताला लगा दिया और गायत्री देवी को उसकी नानी के घर भेज दिया। गायत्री देवी ने देश के लिए जो कुर्बानियां दी थी उसकी सजा उन्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ी। एक गद्दार के साथ गुजारी हुई उस रात के कारण उसे अकेले रहने पर मजबूर होना पड़ा। ना उसे किसी का प्यार मिला और ना ही वो शादी कर पाई। मैं 35-40 साल उस हवेली में रही। एक दिन ये चिट्ठी वहां पर मुझे मिली। इसमें लिखा था, गायत्री देवी का लंबी बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया है। November 18, 1896 उसी दिन तो लीजा का भी जन्म हुआ था। इतने खूबसूरत घर को कोई तोड़ना क्यों चाहता है? वहां ऊपर ऊपर कोई है। इस घर में कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती पर महसूस जरूर कर सकती हूँ। कभी मैं उसके पीछे जाना चाहती हूँ और कभी उसे दूर भागना चाहती हूँ। समझते हो ना मैं क्या कह रही हूँ? लीसा और कोई नहीं, गायत्री ही है बेटा। वो दूसरा जन्म लेकर पालनपुर आ पहुंची है और वो भटकती रूह सिपाही मोहन कांत है। रूह ने रूह को पहचान लिया है, शैतान ने नियति को बदल दिया है। सिर्फ 24 घंटे हैं हमारे पास। कल अमावस की रात है। जिस आत्मा ने बदला लेने के लिए 60 साल तक इंतजार किया है उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है फादर? एग्जोसिज्म। वो क्या होता है फादर? भगवान की शक्ति से इंसान के शरीर से शैतान को निकालना, एग्जोसिज्म। ये सब इतना आसान नहीं है फादर थॉमस, तुम जानते हो। इसके लिए हमें बिशप को लेटर लिखना होगा, उनको पूरी सिचुएशन समझानी होगी, उनकी परमिशन का इंतजार करना होगा। परमिशन आते आते तो 2 हफ्ते लग जाएंगे फादर, और हमारे पास सिर्फ आज ही का दिन है। जो भी हो, बिशप की परमिशन के बिना हम एग्जोसिज्म नहीं कर सकते। It's not allowed. I do know about the rules, father. लेकिन इस वक्त अगर हमने उस लड़की की जान न बचाई तो वो बहुत बड़ा पाप होगा। आप समझ नहीं रहे हो फादर थॉमस, एग्जॉर्सिज्म करना हमारे बस की बात नहीं है। शैतान से मुकाबला करने के लिए अटूट श्रद्धा की जरूरत होती है। आप हमारे धर्म, हमारे चर्च के खिलाफ जाकर ये कदम उठा रहे हो फादर थॉमस।
पर अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इस वक्त तो मैं सिर्फ उसकी जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं। अंदर जाने से पहले हमें एक बात का ख्याल रखना होगा, हमारी लड़ाई शैतान से है, लीजा से नहीं। शैतान इस वक्त लीजा के शरीर में है, वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, हमें भटकाएगा। हो सकता है लीजा हमारे सामने रोए, गिड़गिड़ाए, चीखे चिल्लाए, हमें कमजोर बनाने की कोशिश करे, लेकिन हमें अटल रहना पड़ेगा। और ये याद रखना होगा कि वो शैतान है, लीजा नहीं। हमें इसके हाथ बांध देने चाहिए। Lord Jesus Christ, our Savior, have mercy on our souls. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I cast you out, unclean spirit, along with every specter from hell, and all your fallen companions, in the name of Lord Jesus Christ. Begone, and stay far from this creature of God, for it is he who commands you, he who flung you headlong from the heights of heaven into the depths of hell. Why then do you stand and resist, knowing as you must, that Christ the Lord brings your pains to nothing? Fear him! Fear him! हमें सुबह होने से पहले उससे ढूंढना होगा। अगर एक बार ये अमावस की रात खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। Yeah.
से गॉड का हाथ छोड़ दिया, अटूट श्रद्धा टूट गई तेरी। अब रहने दो, मत निकालो उसे। ये रहेगा तो थोड़ी देर तक खून रुका रहेगा। मेरी फिक्र मत करो, तुम जाके लीजा को बचाओ, वो उसे मार देगा। लेकिन फादर आप, मुझे कुछ नहीं होगा। माय गॉड इज विद मी, मुझे मेरा मेरा स्टोल दे दो। लेकिन फादर, गो माय सन, गो माय सन। थैंक यू माय सन। दवा तो पहले से ही बेअसर हो गई थी, अब दुआ करने वाला भी ना काम। मैं तो अपनी गायत्री को लेकर जा रहा हूं, तो अपने लीसा को कैसे बचाएगा? अपने प्यार की ताकत से। Ah!
अपने प्यार की ताकत। तेरा प्यार तुझे छोड़ के हमेशा के लिए दूर जा रहा है। आखिरी बार मिलेगा उसे, मिलेगा उसे आखिरी बार। कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहित हर हो कले स्वीकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीर्थों को जागर। I'm gonna go to the hospital.
जिस भगवान से मैं हमेशा लड़ता रहा, आज उसकी एक बात अच्छी तरह समझ गया था। उसने हम सबको एक मकसद के साथ यहां भेजा है। लीसा को उसके पिछले जन्म में सच्चा प्यार नहीं मिला और उसी प्यार को ढूंढते हुए वो इस जन्म में चली आई, पर अब शायद उसका मकसद पूरा हो चुका है। मुझे लीसा को उसके पिछले जन्म में जाके बचाना था और इस जन्म में उसका साथ निभाने का वादा करना था। शायद मेरा मकसद भी पूरा हो चुका है। गायत्री हमेशा के लिए जा रही है, पर जाने से पहले वो लीसा की उंगली मेरे हाथ में पकड़ा चुकी है। शायद उसका मकसद भी पूरा हो चुका है। वादा तुमसे है, वादा वादा तुमसे है, वादा जन्मों का जानू।